हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब मस्त में होंगे। दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और दोस्तों मैंने आज से अपना न्यू डेली ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों मैंने अभी कुछ दिन से ब्लॉग बना भी रहा था, बट कुछ कारण की वजह से वो छूट गया था। दोस्तों मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन कर दूँ तो मेरा नाम है मोहित कुमार। दोस्तों मैं अभी फ़िलहाल अपने नाना के यहाँ गोंडा में, और मैं यहीं से अपना कॉलेज कर रहा हूँ। जो भी करना होता मैं यहीं से कर रहा हूँ, बट मैं अभी यहीं रह रहा हूँ और यहीं से जो करना है मैं कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने अभी हाल ही में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कोचिंग का, और मैं उससे अपनी अर्निंग सोर्स जनरेट कर रखी है, उसी से मैं अपना खुद का खर्चा निकालता हूँ। एंड दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। मेरे दोस्तों 3 यूट्यूब चैनल है, एक बिजनेस से रिलेटेड, एक अर्निंग से रिलेटेड, और एक आप देख रहे हैं ब्लॉग जो कि मैं अब शूट कर रहा हूँ। दोस्तों बिजनेस वाले में बिजनेस के बारे में लोगों को सिखाता हूँ कि बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे खुद का अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, कैसे खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और कैसे अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाएं। बिजनेस वाले में मैं बिजनेस के बारे में लोगों को कंसल्ट करता हूँ, गाइड करता हूँ। और अर्निंग वाले में मैं कि कैसे फ्रीलांसिंग से अर्निंग कर सकते हैं, कैसे ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकते हैं, एंड कैसे घर बैठ के पैसा कैसे कमा सकते हैं, ऑनलाइन मोड पे कैसे पैसा कमा सकते हैं घर बैठकर। और मैं जितनी भी अर्निंग से रिलेटेड है तो अर्निंग वाले चैनल पर डालता हूँ। और दोस्तों आज से जो है मेरी डेली लाइफस्टाइल आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों आज से जो मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट हो रही है, और ये मेरा डे 1 है। दोस्तों अभी फिलहाल मेरा जो कोचिंग का टाइम है वो 9 बजे है, और अभी सुबह के बज रहे हैं 6, तो फिलहाल अभी नहा धो के रेडी हो जाते हैं। तो मैं अभी नहा धोने के बाद मिलता हूँ आपको। A few moments later. तो फाइनली गाइज, मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और मैं करने जा रहा हूँ नाश्ता। तो दोस्तों नाश्ते में मेरे चाय और पराठा और हलवा, तो ये 3 चीज़ है नाश्ते में, मैं करके रेडी होता हूँ। तो फाइनली गाइज, हम लोग निकल चुके हैं पढ़ाने के लिए। अभी 9 बजे से हमारे बैचेस स्टार्ट होंगे, तो अभी 8:30 बज रहे हैं, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं ना। तो अभी हम लोग पहुँचेंगे, फिर वहाँ पे देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी हम लोग साफ सफाई करेंगे, जाएंगे अपना, फिर कुर्सी वर्सी लगा के बैठेंगे जब तक बच्चे आ जाएंगे, फिर पढ़ाने स्टार्ट करेंगे। तो पहुँचते हैं फिर, है ना। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं, और तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ाते हैं, और ये भी कुर्सियाँ लाइन से लगी हुई, इनको भी सेट करना है, झाड़ू लगाना है, कूलर में पानी भी डालना है। A few moments later. सो फाइनली गाइस, हम लोगों ने झाड़ू वाड़ू लगा दिया है, एंड हम लोगों ने साफ सफाई भी कर दी अच्छे से, और सेटअप भी अच्छे से कर दिया। कुर्सी वर्सी लाइन से लगा दी है सारी, देख लीजिए सारी कुर्सी हम लोगों ने लाइन से लगा दिया, और कूलर में पानी भी भर दिया है, और कूलर हम लोग चलाने जा रहे हैं। बस कूलर चलाए, बच्चे आने वाले हैं, तो हम लोग सिर्फ खाली बैठेंगे और बच्चे सिर्फ आने वाले हैं। 5 मिनट बचा है बस बच्चों के आने का, बस 5 मिनट में बच्चे आ जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल वेट करते हैं बच्चों के आने का, तो अभी बच्चे आने वाले हैं, है ना। तो वेट करते हैं, कब तक आते हैं देखते हैं। तो फाइनली गाइज, सब बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, और हम लोग जा रहे हैं अब खाना खाने घर पे। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं घर की ओर खाना खाने के लिए। फिर एक गड़बड़ हो चुकी है दोस्तों, कि सुबह का जो मौसम था ना वो बहुत ही मस्त मौसम था, बारिश वाला मौसम था, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, आंधी आ रही थी। बट अब इतनी तेज़ धूप हो रही है कि इतनी गर्मी लग रही है, रोड पर चलने का भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग जा रहे हैं घर पे खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद फिर मुझे जाना है वीडियो एडिट करने के बाद फिर स्क्रिप्ट लिखूंगा, स्क्रिप्ट लिखने के बाद फिर उसके बाद बुक पढ़ूंगा, बुक पढ़ने के बाद फिर वीडियो शूट। तो ऐसा मेरा पूरा दिन का रूटीन रहता है। तो अभी फ़िलहाल हम खाना खाने जा रहे हैं घर की ओर, तो चलते हैं। A few moments later. तो दोस्तों हम लोग कॉलोनी में पहुंच चुके हैं अपने, और वो जो कार खड़ी वही हमारा घर है, एंड अभी हम लोगों को भूख लग रही है, बस जल्दी से घर पहुंच के खाना ही खाना है हमें। दोस्तों अभी हम लोगों को तरबूज मिला है खाना खाने से पहले, तो अभी हम तरबूज खाएंगे उसके बाद खाना खाएंगे। दोस्तों खाना आ चुका है, क्या है, रोटी है, भिंडी की सब्जी है, और चावल और दाल है। तो अब हम खाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बहुत भूख लग रही थी। तो दोस्तों हम लोगों ने खाना खा लिया है, अब हम लोग निकल चुके हैं लाइब्रेरी के लिए। क्या है कि हम लोग लाइब्रेरी में ना शांति मूड से, फ्रेश मूड से हम लोग काम कर पाते हैं। तो हम 6 घंटे में हम लोग वीडियो एडिटिंग करेंगे, एंड बुक रीडिंग करेंगे, एंड स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो स्क्रिप्ट लिखने के बाद फिर हम लोग घर आ जाएंगे वीडियो शूट करने के लिए। तो 2 वीडियो शूट होगी, एक अर्निंग वाले चैनल के लिए एंड एक बिजनेस वाले चैनल के लिए। इन दोनों वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी है, एंड वीडियो एडिट करनी है, एंड बुक रीडिंग करनी है। तो हम लोग फिलहाल लाइब्रेरी जा रहे हैं, घर में बहुत शोर शराबा होता है, और हम लोग लाइब्रेरी में शांति से अपना काम कर पाएंगे। Five hours later. दोस्तों मेरा काम हो चुका है, मैंने स्क्रिप्ट भी बना ली, मैंने वीडियो भी एडिट कर ली, मैंने वीडियो अपलोड करके पब्लिक भी कर दी। अब हम लोगों को घर जाना है, और घर जाने के बाद फिर से भूख लगी है, और खाना खाने के बाद फिर जाना है वीडियो को शूट करने। तो अभी हम फिलहाल घर चलते हैं, और घर चलने के बाद फिर वहाँ पर खाना खाएँगे, खाना खाने के बाद फिर
वीडियो शूट करने जाएंगे। अभी फिलहाल मेरे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो फ़ोन को भी चार्ज करेंगे, फिर आधे एक घंटे के बाद फिर हम वीडियो शूट करने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम घर चलते हैं। A few moments later. दोस्तों हम लोग घर पहुंच चुके हैं और मैं बहुत थक गया हूं, अब मैं खाना खाने जा रहा हूं। फ़ोन वैसे भी डिस्चार्ज हो चुका है और फ़ोन को चार्जिंग लगाने के बाद फिर फ़ोन जब चार्ज हो जाएगा एक घंटे बाद फिर जाऊंगा वीडियो शूट करने। दो चैनल की वीडियो शूट करनी है, दोनों चैनल की वीडियो शूट करूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वीडियो शूट होती है, बिहाइंड द सीन आपको पता चलेगा। One hour later. तो दोस्तों मेरा मोबाइल जो है फुल चार्ज हो चुका है, मैं अभी सो रहा था, अभी सो के उठा हूँ। दोस्तों अब हम जा रहे हैं वीडियो शूट करने, आपको दिखाऊंगा कि वीडियो कैसे शूट होता है, बिहाइंड द सीन वीडियो शूट होने से पहले क्या क्या होता है। ठीक है तो चलते हैं फिर वीडियो शूट करने। तो फाइनली दोस्तों हम लोग शूटिंग एरिया में पहुंच चुके हैं। इस रूम में, जिस रूम में मैं खड़ा हूँ, इसी रूम में शूटिंग होगी, इसी रूम में वीडियो शूट होगा। और अभी फिलहाल सेटअप करने के लिए बाकी है, सेटअप करना है। देखिए ट्राइपॉड है, लाइट है, इसी से सेटअप होगा। अभी चेयर आएगी, यहाँ इस वॉल पे वीडियो शूट होगी। इस वॉल काफी प्रॉब्लम में है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि उनको अनएम्प्लॉयमेंट से गुजरना पड़ रहा है। आजकल के यूथ, आजकल के स्टूडेंट सारे के सारे अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर। तो फाइनली दोस्तों वीडियो शूट हो चुका है, आपने देखा बिहाइंड द सीन क्या क्या होता है वीडियो के पीछे। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, तो तब तक के लिए बाय।